हेलो माय डियर व्यूअर्स, दिस इज़ योर एडुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 यूनिट 4 दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। और उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेशन 2 दैट इज़ फार्मूला एंड फंक्शंस इन अ स्प्रेडशीट। सो बिना देरी किए बिल्कुल हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू प्रेस द लाइक बटन। आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। सो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको आइडिया तो होना चाहिए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इन वीडियोज़ में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो वो चीज़ चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। यू आर रिक्वेस्टेड कि आप फटाफट से चैनल विजिट करना, वहाँ पर प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना और स्क्रॉल करके बिल्कुल बॉटम पर आ जाना जहाँ पर होगा क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्शन। वहाँ पर आपको इन चैप्टर्स की प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी ईजिली मिल जाएगी। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग ओनली द क्वेश्चन आंसर्स कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द ऑटो फिल फीचर ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क। अब देखो, ऑटो फिल का मतलब ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली और फिल मीन्स जो वैल्यूज फिल हो रही हैं। अब ऑटोमेटिकली कैसे फिल होंगी? सपोज ये यहाँ पर मेरे पास ये आपकी ओपन ऑफिस कैल्क की शीट है, राइट। यहाँ पर आपके यहाँ पर सेल्स हो गए। अब क्या होता है, यहाँ पर आपने एक वैल्यू लिखी, लेट सपोज 1, फिर नेक्स्ट वैल्यू लिखी 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू लिखी 3। तो हम क्या करते हैं, इन दो सेल को सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज फिल हो जाती हैं। इसी फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोफिल। नाउ रीड द डेफिनेशन। ऑटोफिल फीचर ऑफ कैल्क फिल्स अ रेंज ऑफ सेल विद अ सीक्वेंस ऑफ डेटा। जो भी ये सीक्वेंस फॉलो होगा 2 और 3, सपोज मैंने यहाँ लिखा 2, 4, 6, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगी तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 वो वाला सीक्वेंस बन जाएगा। सिमिलरली इफ आई विल राइट जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, उसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो मंथ्स के नेम्स का सीक्वेंस बन जाएगा, राइट। तो फिल अ रेंज ऑफ सेल, ये आपकी सारी रेंज है, इसको ये फिल करेगा सेल को विद अ सीक्वेंस ऑफ डेटा। यू मे यूज इट व्हेन यू वांट टू हैव अ नंबर्स चाहिए हो या कोई भी मल्टीपल्स चाहिए हो आपको किसी नंबर का, या कोई मंथ्स के नेम, डेज के नेम, वो सब चाहिए हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमें कहता है व्हाट इज फिल हैंडल एंड हाउ फिल हैंडल वर्क्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो, फिल हैंडल का कंसेप्ट भी आपका इसी से ही रिलेटेड है। सपोज ये मुझे ओपन ऑफिस कैल्क की शीट गिवन है, आपने यहाँ पर वैल्यूज लिखी, लेट सपोज 1, 2, ठीक है। फिर आप जब इन दोनों को सेलेक्ट करोगे, ऐसे सेलेक्ट करोगे फिर ड्रैग करोगे, तो आपने कभी नोटिस किया होगा यहाँ पर एक स्मॉल सा प्लस का सिंबल बन जाता है, उससे हम करके ड्रैग करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ना स्क्वेयर सा सिंबल बन जाता है ऐसे, ठीक है। उसी को हम मीन्स ड्रैग कर देते हैं पकड़ कर, तो वही आपका कॉर्नर पर जो स्मॉल बॉक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिल हैंडल। नाउ सी द डेफिनेशन। अ फिल हैंडल इज़ अ स्मॉल बॉक्स स्क्वेयर इन द कॉर्नर ऑफ द सेलेक्शन। तो बेसिकली जो ये हमारा ये कॉर्नर पर हमने सेलेक्शन किया है ना, ये स्क्वेयर बॉक्स यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका कौन सा होगा, फिल हैंडल। व्हेन वी पॉइंट टू फिल हैंडल द पॉइंटर चेंजेस टू ब्लैक क्रॉस, तो वो आपका ऐसे ब्लैक क्रॉस सिंबल में वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने मंडे लिखा, ट्यूसडे लिखा, इन दो सेल्स को सिलेक्ट करोगे तो जैसे सिलेक्ट करोगे स्मॉल बॉक्स आ जाएगा आपका लोअर राइट कॉर्नर पे, और इसी को हम फिल हैंडल बोलते हैं। उसको हम ड्रैग करेंगे, फिर आपको माउस बटन हम छोड़ देंगे जितनी वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज आपकी फिल हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच शॉर्टकट की इज यूज टू मॉडिफाई द डेटा इन अ सेल। अब अपने सेल में अगर आपने कोई वैल्यू लिख ली, उसको मॉडिफाई करना, उसको चेंज करना हो, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी शॉर्टकट की रहती है, F2।
Now next is question number 4. How do you edit the data by overwriting the content? Means आपने सेल में कोई एक वैल्यू लिखी. लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा क्लास. अब आपको इसको ओवरराइट करना है, मीन्स इसकी जगह पर दूसरा चाहिए, इसको एडिट नहीं करना है. तो सिंपल क्या करोगे, सेलेक्ट द सेल यू वांट टू एडिट, इसको सेलेक्ट करोगे, टाइप द न्यू कंटेंट. तो जैसे हम न्यू कंटेंट को टाइप करेंगे ना, पिछले वाला अपने आप हट जाएगा. एंड देन प्रेस द एंटर की. अगर एडिट करना हो तो F2 की प्रेस कर दोगे तो वो एडिट, वो कर्सर आ जाएगा वहाँ पर. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डू यू एडिट द सेल कंटेंट्स बाय पार्शियली मॉडिफाइंग इट. पार्शियली मॉडिफाई करना है मीन्स आपने कोई वर्ड लिखा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कुछ बीच में या कहीं पर भी आपने कोई चेंजेस करने हैं, तो उसके स्टेप्स क्या रहेंगे. सेलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू एडिट. और एडिट करना हो तो आप शॉर्टकट की F2 प्रेस कर सकते हो या फिर डबल क्लिक भी कर सकते हो. फिर आप कंटेंट को एडिट करोगे और एंटर की को प्रेस कर दोगे. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मूव यानी कि कट एंड कॉपी द डिफरेंट कॉपिंग द डेटा डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. सो बेसिकली कट और कॉपी में डिफरेंस पूछे. देखो कट पेस्ट में क्या होगा, सपोज आपके पास एक टेक्स्ट यहाँ पर है, ठीक है. अगर मैं कट पेस्ट कर रही हूँ यहाँ से हट करके, वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, दैट इज़ कट पेस्ट, मीन्स वो टेक्स्ट मूव हो गया. कॉपी पेस्ट क्या होगा आपका, सपोज ये टेक्स्ट है, इसको मैं पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पर भी इसकी कॉपी रहेगी और यहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा, तो दैट मीन्स दोनों जगह रहेगा. नाउ सी द डेफिनेशन. इन कॉपी एंड मूव द डेटा गेट्स कॉपीड एट न्यू लोकेशन. इन कट एंड मूव, ठीक है, इसको आप कट कर लेना. इन कट एंड मूव द डेटा गेट्स कॉपीड टू न्यू लोकेशन पर आ जाएगा. और इन कॉपी ऑप्शन डेटा रिमेन्स एट ओरिजिनल लोकेशन ऑल्सो. और मूव में डेटा गेट्स डिलीटेड फ्रॉम ओरिजिनल लोकेशन. सो बेसिकली कट का मतलब क्या, ओरिजिनल लोकेशन से हट जाएगा. और कॉपी का मतलब ओरिजिनल लोकेशन पर भी रहेगा और जहाँ पर आप पेस्ट करोगे वो वहाँ पर भी रहेगा. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. डिफाइन फार्मूलाज. देखो फार्मूला के एक्सेल में जितने भी फार्मूलाज हैं किससे स्टार्ट होते हैं, आपके इक्वल्स टू से. अब आपने लिखा इक्वल्स टू और फिर आप क्या लिख रहे हो, सम लिख रहे हो, फिर आप A1:A4 ऐसे लिख रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, फंक्शंस हो गए, ठीक है. अब इसकी डेफिनेशन देखो. फार्मूलाज आर द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग वैल्यू सेल एड्रेस रेंज फंक्शन ऑपरेटर्स. मीन्स अगर मैं सिंपल लिख रही हूँ इक्वल्स टू A2+B3, A2 और B3 के सेल की वैल्यूज़ को ऐड कर रही हूँ, तो वो भी आपका क्या है, फार्मूला है, ठीक है. फंक्शंस क्या होते हैं, काफ़ी सारे प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस बाय यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स मीन्स जो आप ये ब्रैकेट में देते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स. और जितने भी फार्मूलाज फंक्शन स्टार्ट होंगे किससे स्टार्ट होंगे, इक्वल्स टू से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड मिक्स रेफरेंसिंग. देखो जब भी हम अपने फार्मूला को लिख करके ड्रैग करते हैं ना, सपोज आपने यहाँ पर काफ़ी सारी वैल्यूज हैं, आपने यहाँ पर फार्मूला लगाया सम का, एक वैल्यू ऐड करी फिर ड्रैग कर देते हो, ठीक है, तो दैट मीन्स वो इंटरनली उसकी जो रेफरेंसिंग की वैल्यूज हैं ना वो चेंज हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है. सो हमारे पास जैसे कोई भी सेल का नेम है, सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया C5, इसमें हमारे पास होता है एक डॉलर सिंबल. जब हम ड्रैग करते हैं, अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास रो नंबर या कॉलम नंबर की वैल्यू चेंज ना हो, तो मैं उसके आगे डॉलर का साइन लगा देती हूँ. रिलेटिव रेफरेंसिंग में कहीं पर भी डॉलर साइन नहीं होता, कोई वैल्यू फिक्स नहीं होगी, ना रो नंबर की ना कॉलम नंबर की, ठीक है. व्हेन अ फार्मूला इज क्रिएटेड द सेल रेफरेंस एंड द रेंज दैट इट कंटेन्स आर यूजली बेस्ड अपॉन द पोजिशन रिलेटिव टू द सेल. कहीं पर डॉलर सिंबल नहीं आएगा. एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग मीन्स जब मैं चाहती हूँ कि दोनों को ही मैं फिक्स रखूँ, रो को भी और कॉलम को भी, तो मैं दोनों के आगे क्या लगा दूंगी, डॉलर सिंबल. समटाइम्स वी डोंट वांट रेफरेंसेस टू चेंज व्हेन वी कॉपी द फार्मूला. कि जैसे हम फार्मूला को कॉपी कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि उसके रेफरेंसेस चेंज हों, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ कर देंगे, दोनों के आगे क्या यूज़ कर देंगे, डॉलर सिंबल. डॉलर सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं कि वैल्यू मेरी फिक्स रहेगी. नेक्स्ट आता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग. मिक्स्ड में क्या होगा, किसी एक पार्ट पर आ जाएगा, या तो डॉलर को फिक्स करो या तो कॉलम को फिक्स करो, वो आपकी चॉइस है. जिसको फिक्स करना हो किसी एक के आगे, मैंने क्या लगा दिया, डॉलर सिंबल. इन मिक्स्ड रेफरेंसिंग ओनली वन पार्ट इज फिक्स्ड, आइदर कॉलम और रो.
नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। कुछ फंक्शंस हैं जो आपको एक्सप्लेन करने हैं। देखो सम फंक्शन, अगर मुझे अपने वैल्यूज को ऐड करना हो तो सम लिखेंगे, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है, इक्वल्स टू सम नंबर 1 सेमीकॉलन नंबर 2 सेमीकॉलन, जो आपको ऐड करने हो। एवरेज फंक्शन, अगर मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है। काउंट फंक्शन, अगर मुझे काउंट करना है कि इसमें कितने नंबर्स हैं। फिर आता है मिक्स फंक्शन, अगर मेरे को देखना है कि मेरे पास जितने भी सेल में वैल्यूज़ हैं उसमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी है वो चेक करना है, तो मिक्स फंक्शन होगा। मिन फंक्शन, अगर मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, मिन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट ए इन ओपन ऑफिस कैल्क। देखो काउंट फंक्शन तो सिर्फ क्या काउंट करेगा, विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इन अ रेंज ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग टेक्स्ट वैल्यूज। जो आपके टेक्स्ट वैल्यूज होगी उनको नहीं काउंट करेगा, सिर्फ जो न्यूमेरिकल नंबर्स आपने लिखे होंगे 10, 20, 30 उनको काउंट करेगा। और काउंट ए फंक्शन क्या करेगा, विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ रेंज ऑफ सेल इंक्लूडिंग टेक्स्ट वैल्यूज ऑल्सो। ये आपका जो काउंट ए फंक्शन है वो आपकी टेक्स्ट वैल्यूज को भी इंक्लूड करेगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेशन 3। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेशन 3 के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।